तो यार बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने बोला ये बहुत डीप शायरी है, उर्दू वर्ड्स है, शायद नहीं समझ आया होगा, मैं कुछ और सुनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार कुछ रिलेटेबल या कुछ वैसा सुनाते, क्योंकि ये वर्ड्स कम करने वाली चीज़ मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको बताओ, दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह को बैकअप रखकर दूसरे लड़कों को चेक किया एंड उसको आज की जनरेशन बेंचिंग बोलती है। और ऐसे सिचुएशनशिप्स तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि अनुज जैन गाकर बता ही दिया है, मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम उज्ज्वल नीमा है और पेशे से हूँ मैं बेरोजगार, बातें करता हूँ दो चार, आलस का हूँ मैं लाचार, मैं हूँ एक शौकिया कहानीकार। तो यार बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विथ माई स्टोरी, आई वॉन्ट टू टॉक अ बिट अबाउट स्टोरीज। तो वॉट मेक्स अ स्टोरी इंटरेस्टिंग, तो लोगों का मानना होता है समटाइम्स इट्स अबाउट द कैरेक्टर, समटाइम्स इट्स अबाउट द इवेंट, बट आई बिलीव इट्स द क्वेश्चंस विच मेक एनी स्टोरी इंटरेस्टिंग। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, किसी ने देखा है क्या टूटता तारा? सलमान की शादी होगी कब, किसी ने देखा है क्या रब? तारक मेहता के पिंकू का बाप कौन? जब अब्बा नहीं मानेंगे पर रैंजो क्यों था मौन? तो यार माई स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट क्वेश्चन एंड विच इज वाई डू आई राइट स्टोरीज। तो आई बिलीव स्टोरीज आर वेरी मैजिकल। फ्यू मिनट्स अगो वी हैड अ परफॉर्मेंस बाय विक्रम सर एंड ऑल ऑफ अस वर लॉस्ट इन इट। आई बिलीव स्टोरीज हैव पावर टू ब्रिंग एवरीथिंग इन टू लाइफ, बी इट योर बोरिंग क्लास पीपीटीज। तो एंड स्टोरीज आर एवरीवेयर, आप द फिल्म यू वॉच, द बुक्स यू रीड। सो इस बट यार जैसे मैं अपने इंट्रो में बोला था, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, सॉरी मैं बहुत एफिशिएंट आदमी हूँ। आप लोग को बिलगेट्स का कोट पता होगा, बिलगेट्स ने एक बार बोला था कि आई हायर दी मोस्ट लेजी पर्सन फॉर द मोस्ट टफेस्ट जॉब बिकॉज ही विल फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। तो हाँ यार मैं भी ऐसे बहुत ईजी रास्ते ढूंढता रहता हूँ। मेरी हॉस्टल नर्मदा है, मैं नर्मदा से आगे वाला रास्ता छोड़कर पीछे रास्ते से आता हूँ। तो ये आई एम अ वेरी एफिशिएंट पर्सन एंड जब मैंने स्टोरी सुनाना शुरू किया तो मैंने बोला कि यार वाई चूज़ दी लॉन्ग फॉर्मेट, हम लोग शायरी से शुरू करते हैं, शायरी में हम कम वर्ड्स में बहुत कुछ बोल पाएंगे। तो इसलिए मैंने शायरी से लिखना सुनाना स्टार्ट किया एंड बट मुझे कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि शायद जो मैं शायरी सुना रहा हूँ, जो मैं कम शब्दों में बहुत कुछ कह रहा हूँ, वो मेरे अलावा किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीकेंड मैं मुन्नार में था, तो तारों के नीचे हम लोग कैंप फायर कर रहे थे, हमारा पूरा ग्रुप था, साथ में और ग्रुप था, सब लोग ऐसा वाइब बना हुआ था एंड आई थिंक आई वॉज दी ओनली वन इन माई ग्रुप जो शायरी करता था। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स इंसिस्ट किए कि शायरी कुछ शायरी सुनाओ एंड एट दैट पॉइंट मैंने एक शायरी सुनाई थी, वो मैं आप लोग को भी पेश करता हूँ। तो अर्ज़ किया है ठीक है, मुकम्मल हसरतों की तौसीफ कहाँ है, गौर फरमाइएगा, मुकम्मल हसरतों की तौसीफ कहाँ है, बेगरज लोगों की गरज कहाँ है, आईने में जो नज़रिया देखे दुनिया में उनकी जगह कहाँ है। तो व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आपके जब ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं या व्हेन यू स्टॉप चेजिंग समथिंग तो आपको उसका वैल्यू नहीं रहता। सिमिलरली आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेल्फलेस लोग होते हैं जो आपके लिए चीज़ें करते हैं, दे डू थिंग्स फॉर यू बट वी फेल टू नोटिस देम एंड दो सेल्फलेस पीपल आर सच दैट कि जब वो शीशे में देखते हैं तो दे डोंट सी देम सेल्फ, दे लुक एट देयर पर्स्पेक्टिव कि हाउ डू दे लुक एट लाइफ। तो वैसे लोगों की दुनिया में जगह कहाँ है? तो उन चार लाइनों से मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था, पर हमारे साथ मुन्नार में थे श्रीमान वेदांत कोडोलकर। तो इन्होंने इस शायरी की फर्स्ट लाइन से क्या समझा मैं आपको बताता हूँ। तो हसरत वर्ड शायद इन्होंने कभी सुना नहीं, पर आते जाते रेलवे स्टेशन पे हजरत निजामुद्दीन जरूर सुना था। तो ये कहते हैं कि मुकम्मल हसरतों की तौसीफ कहाँ है, इसका मतलब ये है कि हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे तौसीफ नाम का लड़का खो गया। तो यार बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने बोला ये बहुत डीप शायरी है, उर्दू वर्ड्स है, शायद नहीं समझ आया होगा, मैं कुछ और सुनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार कुछ रिलेटेबल या कुछ वैसा सुनाते, क्योंकि ये वर्ड्स कम करने वाली चीज़ मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको बताओ, दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह को बैकअप रखकर दूसरे लड़कों को चेक किया एंड उसको आज की जनरेशन बेंचिंग बोलती है। और ऐसे सिचुएशनशिप तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि अनुज जैन गाकर बता ही दिया है, मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना। तो हाँ, तो ऐसे ही मैंने एक सिचुएशनशिप पर लिखा, थोड़ी आम भाषा में था कि शायद ये लोगों को समझ आ जाए। तो वो शायरी पेश करता हूँ कि ना तुम दामन थाम सके शुक्रिया कि ना तुम दामन थाम सके, ना जताने का एतबार, गुजर जाने दिया ये पल भी, कम्बख्त ये कायर कयामत। तो व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि यू कुडंट होल्ड ऑन टू मी, हम लोग कभी साथ में नहीं आ सके, ना तुमने कभी उतनी हिम्मत जुटा पाई कि यू कुड एक्सप्रेस
what is in your heart. तो तुम कभी हिम्मत नहीं छुटा पाई कि तुम क्या बताओ, क्या तुम्हारे दिल में है, बस तुमने टाइम को गुजर जाने दिया. एंड वॉट इज़ मोर सैड कि कयामत, जो कि डूम्स डे जो इस दुनिया का आखिरी दिन है, वो इतना अनलकी है कि उसने हम दोनों को कभी साथ में नहीं देखा. तो हाँ, बट श्रीमान वेदांत कोढ़लकर और उनके जैसे लोगों को ये भी समझ नहीं आया. तो मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि शुरू मजबूरी में किया था, अब स्टोरी सुनाने में मज़ा आने लगा है, तो रुकना तो नहीं था यहाँ पर. मैंने सोचा कि थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट्स ट्राई करते हैं, ड्रामा हो गया या फिर बुक्स हो गया. तो मैं थोड़ी बुक लिखने की कोशिश किया, फेल हो गया. ड्रामा लिखने का मैंने ट्राई किया, आपको उसकी कहानी बताता हूँ. तो बैक इन 8th स्टैंडर्ड, लाइक मैं ऐसा स्कूल में काफ़ी रेपुटेड था. आई वॉज हेड बॉय ऑफ माई स्कूल, मैं काफ़ी टीचर्स का फेवरेट था. हाँ, तो सीधी बात यह है कि अगर मैं कुछ प्रपोजल दे रहा हूँ तो लोग सुनेंगे. तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया, मैंने बोला कि मुझे एक प्ले करना है एंड आई वॉन्ट टू डू इट इन सम सेलिब्रेशन, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकूँ. एंड द नियरेस्ट सेलिब्रेशन वॉज ईद. तो मैंने ईद पर एक प्ले लिखने का सोचा. एंड द बेस्ट थिंग वॉज कि हम लोग को ऑफिशियली परमिशन मिल गया था, हम स्कूल के लास्ट के 2 पीरियड्स बंक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये देखकर मेरे सारे बैचमेट्स, दूसरे सेक्शन वाले भी सब बोले कि यार हम लोग को भी प्ले में ले ले, हम लोग भी बंक करेंगे. तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तो था ही नहीं था आदमी, मैं हर किसी को ले लिया. बोले आ जाओ. बट शायद जितने लोगों की ज़रूरत थी मैं उससे ज़्यादा लोगों को ले लिया, और मैं जितने संभाल सकता उससे तो बहुत ही ज़्यादा. तो पर यार मेरे को था कि यार प्ले तो करना है, आई वॉन्ट टू पुट माई थॉट्स आउट, आई वॉन्ट टू पुट माई स्टोरी आउट, तो ये प्ले तो मैं करूँगा. तो मैंने बोला तुम लड़की हो, तुम नाचो. तो एक मिनट, और तुम लड़के हो, तुम यूजलेस हो, तुम बस बंद करो, तुम कुछ नहीं कर दोगे. तो ऐसे करके हम लोगों ने थोड़ा क्राउड मैनेज किया, कुछ लोगों को हमने थोड़ा सेट किया, एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्ट. तो हम लोग का प्ले इतना अच्छा हो रहा था कि सब कुछ एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग आ रही थी. एंड ईद की सुबह हम लोग ने मॉक किया, इट वेंट रियली वेल. एंड आई टेल यू व्हाट द प्ले वॉज अबाउट. तो प्ले था कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी दोनों आपस में काफ़ी लड़ते हैं, बट थ्रू दी प्ले आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे दैट कि ऐसा सच नहीं है, इट्स जस्ट दी पर्सपेक्टिव ऑफ वन कम्युनिटी अबाउट दी अदर, जिसके कारण ये लड़ाई, ये दंगा फसाद हो रहा है. एंड द प्ले वुड आइडियली रन इज कि स्टार्टिंग में थोड़े लड़ाई, गाली गलोच वाले सीन्स है, एंड टुवर्ड्स दी एक जर्नलिस्ट उस विलेज में आता है, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी रिजॉल्व्स. बट हम लोग की एक्टिंग इतनी रियल थी कि गाली गलोच के सीन के बाद हमको प्रिंसिपल ने स्टेज से उतार दिया, बोले हो गया तुम्हारा प्ले. तो यार बिफोर यू गाइज अज्यूम कि मैं बस अपना स्टोरी सुनाने में फेल किया, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये मेरी स्टोरी है और मैं इस स्टोरी का हीरो. तो तो यार मैं हिम्मत नहीं हारा, आई केप्ट राइटिंग. मैंने और शायरियाँ लिखी और पोएम्स लिखे और प्लेस किए, कुछ सक्सेस हुआ, कुछ फेल हुआ. एंड देन आई वेंट टू कोटा. तो कोटा में मेरा कमरा शायद हॉस्टल के रूम से थोड़ा बड़ा था, एक अटैच बाथरूम था, एक एसी था. ये बस इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारी इधर लाइफ काफ़ी पैथेटिक हो चुकी है. बट हाँ, तो मेरा रूम जो था उसमें इधर पीरियोडिक टेबल, इधर कुछ फार्मूलाज, ये सब लगा हुआ था, और बीच बीच में मेरी खुद की लिखी हुई कुछ पोएम्स थी. तो आपको उसमें से एक कविता सुनाता हूँ. कविता का शीर्षक है जूझ रहा हूँ जिंदा हूँ. तो गौर फरमाइएगा, मैं कुछ ही पंक्तियाँ सुनाऊँगा. जूझ रहा हूँ जिंदा हूँ, संसार की जटिल पहेली बूझ रहा हूँ जिंदा हूँ. कंकाल नहीं मैं तब तक हूँ, गिरते पड़ते चलता हूँ. हार से न मैं हारा हूँ, जीत से न मैं जीता हूँ. अटल, अडिग, अविरल, बस आगे बढ़ना चाहता हूँ. जूझ रहा हूँ जिंदा हूँ. तो ये सिलसिला चालू रहा. मैं वो 2 साल में काफ़ी कुछ लिखा, कुछ अपने हॉस्टल के लोगों को सुनाया, चलता रहा. शायद बीच में थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, इसलिए IIT आ गया. और फिर वन बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी हियर इन IIT वाज IIMD. तो मैंने IIMD ज्वाइन किया, बट तब मैं सिर्फ एक राइटर था, मुझे फिल्म मेकिंग इस दुनिया में कुछ पता नहीं था. एंड मोर देन दैट, मैं फिल्म देखता भी नहीं था. एंड तो साथ में मेरे फर्स्ट ईयर वाला जो हम लोग ज्वाइन किए थे, दे वर टू मच इनटू फिल्म मेकिंग, देयर वर लॉट ऑफ स्टफ. तो आई वाज फीलिंग थोड़ा सा इंफीरियर कि मे बी व्हाट विल आई डू हियर, या पता नहीं मैं कुछ सीख पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा या नहीं. बट इन माई टाइम एट IIMD आई बिलीव कि मैंने काफी कुछ सीखा. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई टेन्योर हम लोग काफी फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन जीते भी. सही, वी इवन वॉन एट IIMD जो एशिया का सबसे बड़ा फिल्म मेकिंग फेस्टिवल है. मैं फिल्म लिख रहा था, फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, थोड़ा बहुत बाकी चीजें सीख रहा था, दूसरे भी वर्ड्स किए, सब कुछ सही हो रहा था. बट वन थिंग आई रियलाइज कि मैं पोएट्री में शायरी करना छोड़ चुका हूँ. आई हैव डिस्टेंस माय सेल्फ फ्रॉम इट. तो मैं शायद उन 2-3 सालों में 4-5 पोएम्स और शायद 7-8 शायरी लिखी होगी, जो कि एक पॉइंट पर मैं एक महीने में लिखा करता था.
तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कोशिश की कि लिखा जाए, बट ये सब हो नहीं रहा था. बट अंटिल मैंने वेंट टू हार्ट ब्रेक, सॉरी बिहार. तो हाँ, मैं लास्ट समर बिहार का था एंड आई वाज वर्किंग इन एन जी ओ. वहाँ पर कुछ हमारे पास 100-120 बच्चे थे, हम लोग उनको सुबह शाम पढ़ाते थे कंप्यूटर इंग्लिश ये सब. और हुआ ये कि हम लोग उनसे बॉन्ड करना चाहते थे, इसलिए हर संडे हम लोग या तो कोई मूवी स्क्रीनिंग या तो उनके साथ गेम खेलते थे. तो हमने एक संडे टैलेंट शो रखा. तो उस दिन ना एक अनिकेत नाम का लड़का था, वो आया और उसने मिथिलांचल, बेसिकली जो उस पिंडारो जिस गांव में था उस एरिया को मिथिलांचल बोलते हैं, तो उसने मिथिलांचल के बारे में कविता सुनी. एंड उस दिन मैं रियलाइज किया कि यार जो शायरी है, ये जो पोएम्स है, ये इसलिए नहीं है कि हम कम शब्दों में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये इसलिए कि हम कम शब्दों को महसूस कर पाए. तो ये था, बट एनीवेज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई डू आई राइट स्टोरीज. तो आखिर क्यों लिखता हूं मैं कहानी, बातें तो करता हूँ वही पुरानी, बतलाता जिंदगी की वही रवानी, मगर एक कहानीकार की जुबानी. तो एंड फॉर ऑल दी वेदांत कोलकर इन दी हाउस, आई विल से इट इन सिंपल लैंग्वेज. सो आई राइट स्टोरीज बिकॉज व्हाट वी थिंक इज अ स्टोरी, व्हाट वी डू इज अ स्टोरी, व्हाट वी फील इज ऑल्सो अ स्टोरी. And what we become is also a story. So, this is my life story. Thank you for your time. And it's been a month. And it's been better. And it's been a story. Thank you.